हेलो स्टूडेंट्स, विश्लेषण जिसमें हम डेली आपको कम से कम दो आर्टिकल्स के मेजर पॉइंट्स को कवर करके दे रहे हैं। कल से हम लोगों ने यह प्रयोग प्रारंभ किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इस तरीके से जो आप करेंट के डेली क्वेश्चंस टेलीग्राम पे हमारे करते हैं 10 क्वेश्चंस, उसके साथ साथ आपको जो बाकी करंट की एनालिसिस दी जाती है और संडे को और सैटरडेज को करंट की क्लास दी जाती है, उसके साथ साथ अब आप डेली जब करंट के मेजर आर्टिकल्स के जो एड ऑन पॉइंट्स हैं उनको पा जाते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी आसान और अपडेटेड रहता है। तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इसको ध्यान से करिए। ठीक है, अब आते हैं, शुरू करते हैं आज के जो दो आर्टिकल्स हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो और दूसरा आर्टिकल, ठीक है। पहला आर्टिकल जो है अंडरस्टैंडिंग लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस ये एक डिजीज़ है जो मॉनसून के समय में बहुत ज़्यादा फैलती है। इसके बारे में एक आर्टिकल है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे एनीमिया और मैटरनल हेल्थ के बारे में, ये दूसरा मुद्दा है। ठीक है, तो ये है इरिकवरेबल कनेक्शन विद एनीमिया एंड मैटरनल हेल्थ। तो पहला वाला जो आर्टिकल है उसकी बात करते हैं। ठीक है, लेप्टोस्पायरोसिस ये एक बीमारी होती है जो कि ध्यान दीजिएगा बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को होती है, पहली बात। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम अगर आप याद करना चाहें तो जीनस लेप्टोस्पोरा। ह्यूमंस में इसके वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि इसकी वजह से क्या होता है कि जब बहुत सारे सिम्टम्स होंगे तो आइडेंटिफाई करना बीमारी को थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब कई सारे एनिमल्स हैं जो इसको ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमंस में। ठीक है, और ये जो सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स जिनके थ्रू ये स्प्रेड होता है ह्यूमंस में, वो होते हैं स्मॉल मैमल्स। ठीक है, जो कि आपके रैट्स, माइस, होल्स, ये सब होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ और भी जानवर्स हैं, और इसके साथ साथ कुछ डोमेस्टिक जानवर्स भी हैं, जैसे कि जानवर भी हैं जैसे कैटल्स, पिग, डॉग्स, ये सब भी, शीप, गोट्स, ये सब भी इनके करियर की तरह काम करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें कि ये इसका पर्सन टू पर्सन जो ट्रांसमिशन है वो बहुत रेयर है। नॉर्मली ये एनिमल टू पर्सन ही होता है। ठीक है, इन नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमन बॉडी में कट या एब्रेशंस के थ्रू घुसता है स्किन में, और धीरे धीरे मेम्ब्रेन्स के थ्रू होते हुए नोज या आइज के थ्रू आ जाता है बॉडी में। ठीक है, ये बेसिकली जो है बहुत ही एक खतरनाक टाइप की बीमारी है। इसके बारे में ये मेजर बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, फैटल है। ठीक है, अब ये तो न्यूज़ का हो गया, न्यूज़ में जिस बीमारी के बारे में निकला था उसके बारे में हो गया। अब आपको हम बताएंगे, इसी से रिलेटेड है, वन हेल्थ इनिशिएटिव। ठीक है, वन हेल्थ इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लान है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वन हेल्थ इनिशिएटिव एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो कि अलग अलग हेल्थ, जो देखिए नॉर्मली क्या होता है, हम ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। वास्तव में इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत जो हेल्थ का मामला है उसमें ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और उनके शेयर्ड एनवायरमेंट में एक कॉमन इंटरकनेक्शंस के हिसाब से आपके हेल्थ के प्लान्स बनाए जाते हैं। हेल्थ के लिए प्लानिंग की जाती है कि कैसे हेल्थ को सिक्योर किया जाए। तो एक नया तरीका है जिसमें हम जितने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं सबको एक साथ कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वास्तव में जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं अगर उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम को एक साथ देखा जाए, एक नज़रिए से देखा जाए और उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, इंडिया जो एक कंट्री है वो एक बहुत ही डाइवर्स वाइल्ड लाइफ वाला कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन की भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और लाइव स्टॉक्स में तो हम नंबर वन पर हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इंटर कंपार्टमेंटल स्प्रेड जो होता है डिजीजेस का वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल, और उससे प्लांट्स पर बुरा असर, ये सारी चीज़ें एक साथ होती रहती हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ एक छोटी सी बात इस आर्टिकल में और लिखी हुई थी कि जो रिसेंट आउटब्रेक है लंपी स्किन डिजीज़ का कैटल्स में, और कॉन्स्टेंट ट्रेंड ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा है,
ये सब देखिए ह्यूमन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे जूनोसिस के थ्रू ही हो रहे हैं। तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज करनी पड़ेंगी, इसी के लिए वन हेल्थ मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो वन हेल्थ मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। वन हेल्थ मिशन में कई सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, जैसे कि आपका CSIR है जो कि साइंटिफिक रिसर्च करता है, DRDO है, DST है, DBT है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, ठीक है, इस तरीके से ICMR है, जो NCDC है, NDMA है। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं इसमें नेशनल वन हेल्थ मिशन में। ठीक है, इसके अंतर्गत इसमें कई सारे पार्टिसिपेंट्स जो गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, इनका पार्टनरशिप कराया जाएगा जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर, NGO, ठीक है ना, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, G20 एंड अदर फोरम्स एंड पब्लिक एंगेजमेंट, ये सब पार्टनर बनाए जाएंगे। और इन सबको मिला करके हेल्थ को एक काम किया जाएगा, हेल्थ के डेवलपमेंट और उसके लिए एक प्लान बनाने का काम किया जाएगा। ठीक है, जो प्रधानमंत्री की साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, PMSTIAC है, उसने अपनी 20th मीटिंग में नेशनल वन हेल्थ मिशन को अप्रूवल दिया था, क्योंकि ये क्रॉस मिनिस्टीरियल एफर्ट है हेल्थ के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये मेजर चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी, इसमें आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी न्यूज़ पर। दूसरी न्यूज़ है एनीमिया और मैटरनल हेल्थ के बीच में जो इरिकवरेबल कनेक्शन है उसके बारे में थी, ये पूरी आर्टिकल थी। तो देखिए एनीमिया आप जानते हैं, एक ब्लड में RBC की संख्या कम होने से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसका एक सिंबॉलिक जो है इमेज आप देखिएगा, जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड बेल्स ब्लड सेल है वो ऐसा होता है, एनीमिक रेड बेल्स ब्लड सेल ऐसी होती है। ठीक है, तो वास्तव में इसका सोशो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट होता है, जो कि फूड सिक्योरिटी, चाइल्ड केयर और हेल्दी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। और इसके बेसिक कॉसेज क्या होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन होता है और मॉर्बिडिटी होता है, और इन्हीं के कारण क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक है, तो ये एनीमिया का एक बेसिक सा साइकिल है, जिसके रीज़न है वो आपको जानना था। अब चूंकि इसको कनेक्ट किया गया है और इस ये एक न्यूज़ में एनालिसिस रहा है, तो आपको अब सरकार की स्ट्रेटेजी भी जाननी चाहिए। सरकार की स्ट्रेटेजी एनीमिया मुक्त भारत के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली, इस बात को आप नोट भी कीजिएगा, 6x6x6 स्ट्रेटेजी है। ठीक है, यानी कि 6x6x6 का एक रणनीति है, यानी कि 6 बेनिफिशरीज होंगे, 6 इंटरवेंशंस होंगे और 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होंगे। तो ये 6x6x6 का मैकेनिज्म है जो भारत सरकार फॉलो कर रही है। ठीक है, तो कितना सबको एनीमिया से बचाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसमें क्या है कि भारत सरकार आयरन और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज़ को दे रही है, जिससे कि जो एनीमिया है उसे थोड़ी मदद हो गई बच्चे। ठीक है, इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो महिलाओं में बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। अब देखिए एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि RBC का काउंट कम कर दिया जाए, पैरामीटर यानी कि पैरामीटर में कमी कर दी जाए, जिससे एनीमिया की समस्या को कम काउंट किया जा सके, जिसका बहुत आलोचना भी हुआ। ठीक है, तो आप यूँ समझिएगा कि जो एनीमिया है वो वास्तव में केवल और केवल इस बात से रिलेटेड नहीं है कि लोगों की हेल्थ खराब है। ठीक है, ये सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को भी दिखाता है, ये भी शो करता है कि आपके समाज में, आपके देश में क्या कंडीशन है महिलाओं की। क्योंकि देखिए महिला स्वास्थ्य से असर किस पर पड़ेगा, जो बच्चे होंगे उनके स्वास्थ्य पर। ठीक है, तो ये केवल एक चीज को नहीं दिखा रहा है कि आप कैसे कोई कमजोर है, नहीं, ये केवल ब्लड के कमजोर होने या पर्सन के कमजोर होने से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है सामाजिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति से, स्वास्थ्य की स्थिति से। ये मैटरनल डेथ रेट, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, इन सबको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप इसको जब देखेंगे तो मलेरिया, सॉरी एनीमिया को एक व्यापक नजरिए से जरूर देखिएगा। ठीक है, और कितना हेल्दी लेवल होता है RBC का मेल मेल फीमेल और चिल्ड्रन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक
तो आरबीसी सेल काउंट कितना होगा और हीमोग्लोबिन लेवल कितना होगा, ये आपका आज का होमवर्क है। आप देखिएगा कि आरबीसी का काउंट कितना होना चाहिए मेन में, वुमेन में और चिल्ड्रन में, ठीक है, चाइल्ड में। और इसके साथ साथ आप देखिएगा हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो मेन, वुमेन और चिल्ड्रन में कितना होना चाहिए, तो ये आप करिएगा। आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आप इस चीज़ को ज़रूर करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करिए, मैं स्वागत करूंगा आपके विचारों का, और ज़रूर अपने विचार दीजिए हमें, क्योंकि उसी से हमें आगे का आइडिया लगेगा। थैंक यू सो मच।